हेलो आकिब भाई, कैसे हैं? आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। ये आप माइक पकड़िए और बाहर आइए। ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे। जब से मैं मिला हूँ इनसे मैं खुश हूँ और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज ये यहाँ पे जो है ना मैनेजर हैं, ये आकिब भाई जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं लेकिन फ़िलहाल जो है वो कटिहार में रहते हैं। तो चलिए, मैं कुछ इनसे मैं बातें पूछता हूँ, आपको बताएंगे। आकिब भाई, लैक्मी और भी पार्लर है कटिहार में, हर जगह रहते हैं लेकिन लैक्मी ही क्यों आए लोग? लैक्मी में जो सर्विसेज मिलते हैं, यहाँ का टेक्निक और यहाँ पर जितने लोग जो हैं वो सारे लैक्मी क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और इनका काम करने का जो तरीका होता है ना, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है इन लोगों का। और प्लस ये है कि टेक्निक यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट सॉसकॉप, मोरक्कन, टीजी, ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी हेयर जो है ना वास हो गया, उसके बाद ये हेयर कट होगा और ये भी कट होगा, आई मीन ट्रिमिंग करवाना है इसे भी। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, कहाँ से हैं आप? वाराणसी। वाराणसी में। अगर आप लोगों को भी वाराणसी के क्या कहेंगे, इसको कलाकार कहेंगे, क्या बोलेंगे? हेयर ड्रेसर। तो आप आ जाइए लैक्मी, जो कि स्थित है कटिहार में, विनोदपुर रोड ना, विनोदपुर रोड में स्थित है लैक्मी। तो आइए और जो भी आपको करवाना है, आई मीन ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए हैं, तो आ सकते हैं। We'll be right back.
बाकी भाई जो है वही है भागलपुर से, जो कि बहुत अच्छे इंसान है। और आप यहाँ अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही प्यार से आपसे बात किया जाएगा, बहुत ही मस्त बंदे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे मुझे भाई। आई मीन कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए, लेकिन अगर आप हाँ आप कुछ बोलिए कस्टमर कन्विंसिंग आके भाई बोल दिए। यहाँ पे कितने टोटल स्टाफ हैं? यहाँ पे अभी हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग सामने नहीं आएंगे क्या अभी? सब लोग आ जाएंगे, थोड़ा बुला लीजिए ना, तो दिखा देते हैं सभी को कौन कौन यहाँ पे हैं। आकिब भाई हैं, और ये नाम भूल जाता हूँ भाई का, अरशद भाई हैं, और अभी एक भाई को अभी दिखाएंगे आपको, सभी को दिखा देंगे हम। लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर, चाहे आप फीमेल हो मेल हो कोई भी हो, यहाँ पे ज़रूर आइएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका क्या नाम हुआ? पास आइए ना, आवाज़ आपकी नहीं आएगी। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से। अच्छा, आप भी पटना से, और आप? कटिहार। अच्छा, ये कटिहार से हैं। वो भाई यहाँ पे? वो पटना से। वो भी पटना से, और उनका क्या नाम है? उनका पूर्णवती। हाँ, पूर्णवती सिलीगुड़ी से। अच्छा, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, दिखेगी नहीं, वो वहाँ बैठी हुई, देखिए आप। हेलो पूर्णवती, क्या हो रहा है? डिटेन इससे क्या बेनिफिट है बताइए? इससे आपके जो फेस पे टाइमिंग हो जाता है हेल्प से, अच्छा उसको रिमूव करता है।
आखिर भाई ये किस लिए है? इसका काम होता है पेपर देना, ठीक है। इसका इसलिए होता है क्योंकि ये जो हम लोग स्क्रबिंग करते हैं ना, जो भी आपके फेस पर डेड सेल वगैरह होता है ना, उसको ये रिमूव करता है। इसका काम होता है फेस के पोर्स को ऑन मतलब खोलना। मेनली इसका काम होता है आपके फेस पे जो भी पोज होता है। ये भी ऑन करके इसको गर्म कर रहे हैं। मैंने हेयर कट और डिटेन वगैरह एंड ये सब मेरे सब कुछ करवा लिया है, तो अब मैं निकलूँगा घर और देखता हूँ कितना पेमेंट हो गया। आखिर भाई पेमेंट कितना हो गया हमारा? आपका जो सर्विसेज जो हुआ था ना, जी हाँ, और ये बताइए कि आपको सर्विसेज यहाँ पे कैसा लगा? सर्विसेज भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनसे पहले भी मैं यहाँ जब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी तो जब मैं आया था तभी मुझे लगा था कि बहुत ही अच्छा सैलून खुला है, और मुझे क्या जितने भी लोग हैं यहाँ के कठार के रहने वाले सबको अच्छा लगने वाला, और मुझे जो मैंने हेयर वगैरह कराया जो भी कराया मैंने आई मीन डिटेन वगैरह भी कराया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम सेटिस्फाइड। बिल्कुल। कुछ अगर गलतियाँ या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती है बट यहाँ पे कोई भी गलतियाँ नहीं हुई हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो चलिए यहाँ पे आकिब भाई जो है ना इस लैक्मी पार्लर का स्टूडियो बोलने पार्लर बोल सैलून है शायद। हाँ सैलून है। तो अब आपको ये दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है और क्या क्या होता है, चलिए दिखाइए। ये हम लोगों का मेन सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेंस का जो भी वर्क होता है वो दोनों यहाँ पे ही होता है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट जो हम लोग का ये है लेडीज सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बीच में हम लोगों ने पार्टीशन भी दे रखा है क्योंकि जेंट्स और लेडीज में थोड़ा सा डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। ये है अपना शैम्पू सेक्शन जहाँ पे हेयर वॉश पहले होता है, उसके बाद हम लोग फिर कोई भी हेयर का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर डेट ये है हम लोगों का नेल सेक्शन जहाँ पे नेल आर्ट वगैरह हम लोग करते हैं। अच्छा नेल आर्ट ना।
ये मतलब नेल आर्ट सिर्फ फीमेल ही करेगी या बॉयज भी कर सकते हैं? नेल आर्ट ओनली फॉर फीमेल्स के लिए होता है, ज्यादातर ब्राइडल लोगों के लिए होता है। ये अपना पेडिक्योर सेक्शन है, यहाँ पर लेडीज जेंट्स को भी पेडिक्योर वगैरह करा सकते हैं। पेडिक्योर मैनिक्योर? हाँ, पेडिक्योर मैनिक्योर यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे होता है आराम से, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए ये। अच्छा, और अंदर क्या क्या है? इधर कस्टमर वेटिंग एरिया है यहाँ पे। अच्छा, अगर अच्छा, कस्टमर के साथ दो तीन लोग अगर आ जाते हैं तो उन लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, ये अपना फेशियल रूम है। चलिए दिखाइए। ये हम लोगों का फेशियल रूम है, यहाँ पे लेडीज जेंट्स दोनों का होता है। ठीक है, अगर जो कंफर्टेबल नहीं होते जेंट्स लोग तो हम लोग यहाँ पे भी फैसिलिटी अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है जी, शानदार। आपके आपके शहर कटिहार में इतनी अच्छी फैसिलिटी है। दूसरा ये भी आपका फेशियल रूम है, यानी कि हम लोग के पास में दो फेशियल रूम अवेलेबल है। कभी क्लाइंट अगर ज़्यादा होते हैं तो हम लोग दोनों में ये कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और ये ब्राइडल, ये आपका ब्राइडल रूम हो गया, या मतलब यहाँ पे पार्टी मेकअप या फिर जो भी दुल्हन वगैरह सजते हैं या फिर कोई भी ग्रूमिंग वगैरह जो होता है वो हम लोग का ये एरिया है। ये